रोहित है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9। भारत के साथ बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने का दावा करने वाले चीन अब भारतीय सीमा के नजदीक रेल चलाने की तैयारी में है। आधिकारिक मीडिया के अनुसार चीन दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के यान और तिब्बत के लिंजी के बीच रणनीतिक महत्व के सिचुआन तिब्बत रेल मार्ग का निर्माण शुरू करने वाला है। लिंजी को नई गंशी के नाम से भी जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश सीमा के नजदीक स्थित है। लिंजी में एक हवाई अड्डा भी है जो हिमालयी क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए गए 5 हवाई अड्डों में शामिल है। चाइना रेलवे ने 2 सुरंग और 1 पुल के निर्माण कार्य और सिचुआन तिब्बत रेलवे के यान लिंजी खंड के लिए बिजली आपूर्ति के लिए शनिवार को निविदा के परिणाम घोषित किए। इससे संकेत मिलता है कि परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। सरकारी चाइना न्यूज की खबर के मुताबिक चिंघाई तिब्बत रेलवे के बाद सिचुआन तिब्बत रेलवे तिब्बत में ऐसी दूसरी परियोजना है। ये चिंघाई तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व से गुजरेगा जो विश्व के भूगर्भीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय इलाकों में शामिल है। सिचुआन तिब्बत रेलवे सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू से शुरू होता है। ये यान से गुजरता हुआ और तिब्बत में प्रवेश करता है और चेंगदू से ल्हासा के बीच की यात्रा में लगने वाले 48 घंटे के समय को घटाकर 13 घंटे करता है। आपको बता दें कि अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन पूरी दुनिया पर कब्जा करने की नियत रखता है। ऐसे भारतीय सीमा के निकट उसका रेल चलाने के प्रोजेक्ट को भी संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि लद्दाख में भारत से मात खाया चीन अब चुपके चुपके जंग की तैयारी कर रहा है। चीन सेना समझ चुकी है कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए अब ड्रैगन भारत के नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। हाल में ही सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ था कि भारतीय सीमा में 130 किलोमीटर की दूरी पर चीन एक एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है और अब खबर आई है कि चीन अब सिचुआन तिब्बत रेलवे के यान लिंजी खंड का निर्माण शुरू करने जा रहा है। भारत चीन विवाद के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पूर्वोत्तर सीमा के निकट सिचुआन तिब्बत रेल लाइन बनाने के संकेत दिए हैं। इस रेल लाइन के बनने से भारत की सामरिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। लद्दाख इलाके में चीन के साथ तनातनी तो हाल के महीनों में सामने आई है, लेकिन पूर्वोत्तर स्थिति अरुणाचल प्रदेश पर तो उसकी निगाहें शुरू से ही रही हैं। वो अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता रहा। इसी वजह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे शीर्ष मंत्रियों और अधिकारियों के उनके अरुणाचल दौरे पर चीन विरोध जताता रहा है। कुछ साल पहले उसने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीजा जारी किया था, तब इस पर विवाद भी हुआ था। हाल में अरुणाचल के 5 युवकों का भी चीनी सैनिकों ने अपहरण कर लिया था। कूटनीतिक दबाव के बाद उनको 4 दिनों बाद रिहा किया गया। अब अपनी नई रणनीति के तहत वो इलाके में एक नई रेलवे परियोजना पूरी करने की तैयारी में है। इससे अरुणाचल प्रदेश सीमा तक उसकी पहुंच काफी आसान हो जाएगी। चीन की ये परियोजना भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। हाल में उसने पूर्वोत्तर से लगी सीमा के पास कई सड़क और आधारभूत परियोजनाएं भी शुरू की हैं। इस नई रेलवे परियोजनाओं के अगले साल तक पूरा होने की संभावना है। चीन ने हाल ही में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक रेलवे ब्रिज का काम पूरा कर लिया है। अरुणाचल में सियांग कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 525 मीटर लंबा यह ब्रिज नियंत्रण रेखा से महज 30 किलोमीटर दूर है। यह ब्रिज दरअसल 435 किलोमीटर लंबी ल्हासा निंगची यानी कि लिंजी रेलवे परियोजना का हिस्सा है। सामरिक और रणनीतिक रूप से सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण काफी अहम है। ये रेलवे लाइन दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन की राजधानी चेंगदू से शुरू होकर तिब्बत के लिंजी तक जाएगी। लिंजी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से एकदम करीब है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद चेंगदू और ल्हासा के बीच की दूरी तय करने में मौजूदा 48 घंटे की जगह महज 13 घंटे का ही समय लगेगा। इस परियोजना पर 47.8 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अनुमान है। यह तिब्बत इलाके में चीन की दूसरी अहम रेलवे परियोजना है।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में हाल में छपी एक खबर के मुताबिक इस रूट पर कुल 26 स्टेशन होंगे। इस रूट पर बिजली से चलने वाले इंजन की सहायता से ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। लिंजी को स्थानीय भाषा में निंगची भी कहा जाता है। जिस इलाके में उक्त परियोजना का काम चल रहा है वो भौगोलिक रूप से बेहद दुर्गम लेकिन सामरिक रूप से उतना ही अहम है। इलाके में कई जगह इसकी पटरियां समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई से गुजरेंगी। सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार यह निर्माण पूरा हो गया तो इसका इस्तेमाल नागरिकों के साथ ही सेना की आवाजाही के लिए भी होगा। ये रेलवे लाइन और ब्रिज अरुणाचल की सीमा के बेहद करीब और समानांतर हैं। चीन अरुणाचल को तिब्बत का ही दक्षिण हिस्सा मानकर उस पर दावा करता है। वो पहले भी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा चुका है। 2 साल पहले वर्ष 2018 में उसने ल्हासा और निंगची यानी लिंजी के बीच 5.8 अरब अमेरिकी डॉलर से बने 409 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। उसकी वजह से इन दोनों शहरों के बीच आवाजाही करने में अब 8 की जगह 5 घंटे ही लगते हैं। अब उसकी निगाहें रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरुणाचल की सीमा तक आने वाली इस परियोजना से आम लोगों को खासा फायदा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि उस इलाके में आबादी का घनत्व बेहद कम है। इस परियोजना का इस्तेमाल मूल रूप से सैनिकों और सेना के साजो सामान को अरुणाचल सीमा तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार भी अरुणाचल प्रदेश को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर आगे बढ़ रही है, लेकिन इस परियोजना के तहत रेलवे की पटरियां पासीघाट तक ही पहुंच सकेंगी जो तिब्बत से लगी सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर है। यानी इससे सामरिक रूप से देश को खास फायदा नहीं होगा। दूसरी ओर चीन की नई परियोजना के तहत पटरियां नियंत्रण रेखा के पास लिंजी तक पहुंच जाएंगी। चीन ने वहां एयरपोर्ट भी बना रखा है। सामरिक विशेषज्ञों ने चीन की इस नई परियोजना पर गहरी चिंता जताते हुए इसे खतरनाक बताया है। एक विशेषज्ञ एसी गाओ वो कहते हैं ये परियोजना चीन के लिए सामरिक तौर पर काफी अहम साबित होगी। चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता रहा है। अब सीमा के एकदम पास तक पहुंचने वाली रेलवे लाइन और दूसरे निर्माण कार्यों के जरिए वो भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि लद्दाख में हिंसक टकराव के बाद अब चीन की निगाहें पूर्वोत्तर सीमा पर हैं। इसी वजह से वो कभी भूटान के बहाने भारत को घेरने का प्रयास करता है तो कभी सीमा पार चलने वाली आधारभूत परियोजनाओं के जरिए। तो अब ताजा परियोजना भी उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।